उज्जैन में पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोर युवकों को किया गिरफ्तार। नकदी, आभूषण और हथियार भी किए जब्त। उज्जैन शहर के अलग अलग क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। पुलिस जांच कर रही थी। इन चोर गिरोह को पकड़ने के लिए उज्जैन पुलिस प्रयासरत थी। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ऐसे शातिर 5 बदमाश गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी चोरी को वारदात को अंजाम दिया और लगातार गैंग बनाकर यह चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अब इस चोर गैंग के 5 युवक को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और हथियार जब्त किए हैं। पुलिस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला था, खासे क्या रहा? थाना प्रभारी जीवाजीगंज श्री मनीष मिश्रा को एक सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात बदमाश किसी बड़ी घटना के फिराक में। इस सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई है, उसमें 5 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए, 1 आरोपी फरार हुआ है और इनके ऊपर 399 चार्जों के तहत कार्रवाई की गई है। पूछताछ में 27 जनवरी को एक दर्शनार्थी के साथ में जो बैग छीने की घटना हुई थी, उसका खुलासा हुआ है और उसका जो मंगलसूत्र है, उसकी जो अंगूठी है, इसके अलावा जो मोबाइल है वो जब्त हुआ है। आरोपियों की तलाशी में 2 फायर आर्म्स हैं, 2 पिस्टल हैं, इसके अलावा 2 चाकू और 1 तलवार भी बरामद हुआ है। आरोपियों से भी और पूछताछ की जा रही है, इनके द्वारा और कौन कौन सी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।